Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क पर। दोस्तों आज तक हमने जो पढ़ा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज तक होम टैब पढ़ लिया है, इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट कर दिया कल, और अब हमारे जो नेक्स्ट और लास्ट लगभग क्लास रहेगी ये, और अगर फिर भी कुछ बचेगा तो ये क्लास और हो जाएगी, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे। और अब हमारा लगभग कोर्स है जो एंडिंग पे है, एलडीसी का जो कंप्लीट सिलेबस था वहां तक मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी, हमारे टेस्ट सीरीज की जानकारी आपको बार बार मिलती रहे। दोस्तों अब आज हम चलेंगे पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे आज इसको, पूरे पेज लेआउट को, और क्या क्या ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा आपको। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि आप क्या क्या पढ़ना है आज आपको, वो सारी जानकारी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मार्जिन। देखो थीम जो है ये इधर साइड में, इसका कोई यूज नहीं आएगा आपके एलडीसी में। मार्जिन, इसके अलावा ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम, ब्लैक पेज, ये पूरा हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वाटरमार्क, पेज नंबर, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये पढ़ेंगे। इंडेंट हम पढ़ेंगे, स्पेसिंग हम पढ़ेंगे, और उसके बाद ये पोजीशन का कुछ हिस्सा ये है अलाइनमेंट का, जो ऑब्जेक्ट पे काम करता है इसको भी हम पढ़ेंगे आज। तो जितना हो सकेगा पेज लेआउट में, इतना टोटल ये सिलेबस आपका पेज लेआउट का है, जितना आज हो सकेगा उतना मैं आज की क्लास में करा दूंगा आपको, और बाकी का जो अगर कुछ बचेगा और कुछ हिस्सा व्यू का है, व्यू जो टैब है उसका कुछ हिस्सा बचेगा तो वो आपको मैं अगली क्लास में करा दूंगा। यहाँ तक हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्जिन से। तो मार्जिन का आपको नॉर्मली सबको पता ही है मार्जिन क्या काम में आता है, कहाँ पर यूज होता है। मार्जिन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मार्जिन पेज के चारों ओर जब हम प्रिंट निकालते हैं तो पेज को फाइलिंग वगैरह करने के लिए या पेज में जो लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली पेपर पे आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं चारों ओर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, पहले आपको हर वर्ड को समझना बहुत जरूरी होगा कि मार्जिन क्या है, मार्जिन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मार्जिन कहते हैं किसे, तो आप उसे आसानी से सीख पाओगे। तो हम बात कर रहे थे मार्जिन की, तो मार्जिन होती है चारों ओर की जगह। अब आपके क्वेश्चन जो आता है वो आता है मार्जिन नैरो सेट कीजिए, मार्जिन को अलग अलग जो स्टाइल यहाँ पर है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ठीक है, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट है, ये है, ये अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और इनमें से आपको कुछ भी दे सकता है। इनके आपको नाम याद रख लेना है, और नहीं भी याद रखते तो भी आपको यहाँ पर जाने पर पता चल जाएगा कौन सा आपको करना है। दोस्तों अब अगर ऐसा कह दिया जाए आपसे कि आपको ये तो फिक्स स्टाइल है, या आपके क्वेश्चन मोस्टली ऐसा आएगा दिए गए पेज में मार्जिन को मॉडरेट सेट कीजिए, तो आप यहाँ पर जाइए डायरेक्ट मॉडरेट पे क्लिक कीजिए, मार्जिन मॉडरेट सेट हो गया। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आता है कि लेफ्ट मार्जिन को 2 इंच कीजिए या 1 इंच कीजिए, तो आपको मार्जिन में जाना है, सबसे नीचे जाओगे आप तो आपको कस्टम मार्जिन मिलेगा, जो वीडियो के अंदर कट रहा है, वीडियो के अंदर आ नहीं रहा है, लेकिन आप सबसे नीचे जाओगे तो कस्टम मार्जिन लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, एक ऐसा बॉक्स खुलेगा आपके सामने, और इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर जो टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट राइट का सब यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टॉप का मुझे 1 इंच करना है, 1.5 इंच करना है, वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, जैसे मुझे लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट का मुझे 1 इंच करना है तो यहाँ पर मैं 1 इंच कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो ओरिएंटेशन भी यहाँ से चेंज हो सकता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, ये ओरिएंटेशन भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन का मतलब पेपर कैसे, जो पेपर पे हम लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, खड़े पेपर पे लिख रहे हैं या आड़े पेपर पे लिख रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। आप हमेशा अपने लैंग्वेज में से सीखने की कोशिश करें, प्रोटेट क्या है, लैंडस्केप क्या है, इस तरीके से। इसके अलावा पेज जो है वो मल्टीपल पेज, मिरर मार्जिन होना चाहिए, 2 पेज पर सीट होना चाहिए, मतलब एक सीट पर, एक स्क्रीन पर हमें 2 पेज दिखना चाहिए, किस तरीके से वो हमें सेट करना है, यहाँ पे बुक फोल्ड दिखना चाहिए, इस तरीके से बुक फोल्ड दिखेगा आपको, दिख रहा है। ठीक है, या फिर आपको मिरर पेज देखना है यहाँ पर, या 2 पेज 1 सीट पे देखना है, ये सारी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं एलडीसी के अंदर आपके पेज का, और आपके जो क्वेश्चन आएगा वो मार्जिन से और ओरिएंटेशन से आएगा, ये आप ध्यान में रख रहे हो। ठीक है,
और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मोस्टली बार बार आ रहा है कि आप दिए गए डॉक्यूमेंट का जो वर्टिकल मार्जिन वर्टिकल अलाइनमेंट है वो सेंटर या बॉटम जो भी है वो सेट करना है। तो उसके लिए आपको देखो यहाँ लेआउट के अंदर जाना, लास्ट में लेआउट में जाना है, यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये मैं क्वेश्चन बार बार देख रहा हूँ, बच्चे बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कैसे सेट होगा। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पड़ा है, यहाँ पे जाके आपको इसको सेंटर कर देना है और फिर ओके कर देना, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा वर्टिकल अलाइनमेंट। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने आपको फिर से बता दिया इसके अंदर। और ये मार्जिन का था, मैंने लेफ्ट में एक सेट कर दिया है। और इसके बाद मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जो गटर वगैरह का है, ये ग्यूटर वगैरह है। ग्यूटर के अंदर क्या होता है कि हम लेफ्ट के अंदर जैसे कि हम कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, आप ये सोचिए बुक प्रिंट कर रहे हैं और बुक प्रिंट करते समय हमें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या टॉप साइड से किधर से एक तरफ से चिपकाना होता है पेपर को। तो चिपकाने के लिए जहां पर अपने को ग्लू लगाना है उतनी जगह हमें छोड़नी देती है पेपर के अंदर। तो वो जो जगह हम छोड़ेंगे वो कहलाती है ग्यूटर के अंदर। और यहाँ से ग्यूटर जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये ग्यूटर बढ़ रहा है, मतलब ऐसी प्रिंटिंग आ जाएगी उस पेपर पे जिसे हमें पता लग जाएगा हमें इस रेंज के अंदर ग्लू लगा करके इसे चिपकाना है, ठीक है। ये टॉप में बॉटम में आप जैसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट में कर रखा है अभी मैंने, ऐसे टॉप में कर सकते हैं। आप नॉर्मली देखते होंगे बुक दो ही तरफ से छिपी हुई मिलती है, या तो लेफ्ट से छिपी हुई मिलेगी या फिर ऊपर जो टॉप से छिपी हुई मिलेगी, इन दो तरफ से हमेशा बुक को चिपकाया जाता है। तो ये यहाँ पर सेट किया जाता है लेफ्ट में और टॉप में, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप प्रिंट करोगे तो ऐसे डॉट 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 मिली हुई आ जाएगी जिससे आपको पता लगेगा कि हमें यहाँ तक पर ग्लू लगाना है और ये से चिपकाना है, ठीक है। तो ये होता है ग्लूटर। और लैंडस्केप ये वगैरह मैंने ओरिएंटेशन आपको बता दिया है, फिर मैं ओके करता हूँ। ये मार्जिन 1 इंच पे सेट हो गया, ओके। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कंट्रोल जेड कर दिया। अगला ओरिएंटेशन है जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोटेट और लैंडस्केप दो तरीके का होता है ओरिएंटेशन। लैंडस्केप में पेज होता है वो अड्डा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे जूम कम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो पेज है आपका दिख रहा है ये है लैंडस्केप, और ये जो आपका पेज दिख रहा है ये है प्रोटेट, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें प्रोटेट क्या है लैंडस्केप क्या है। उसके बाद आगे करेंगे हम पेपर की साइज, पेपर साइज जो हमको सेट करना है। यहाँ पर अलग अलग पेपर साइज आपको दी मिलेगी, A4 साइज का हम नॉर्मली पेपर यूज में लेते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप और कौन से पेपर यूज कर सकते हैं, जो लीगल साइज का पेपर है या फिर A3, जो भी आपको साइज बोली जाए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। या फिर आपको कस्टम साइज बोला जाए, पेपर की साइज 8 इंच हाइट कीजिए और चौड़ाई को 5 इंच कीजिए, तो आप यहाँ से मोर पेपर साइज, जो सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा मोर पेपर साइज, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। और उसके बाद में मोर पेपर साइज पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है वो यहाँ से सेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से कस्टम साइज। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, नॉर्मली आपको पेपर का नाम लिखा आएगा कि आपको कौन सा पेपर साइज सेट करना है, A4 करना है, तो आप यहाँ पे जाइए A4 कर दीजिए, A4 साइज हो गई, ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम होता है जिसको मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं कॉलम पर। कॉलम हमारा क्या होगा कि जैसे आपने अखबार में देखा होगा कि एक ही जो न्यूज है वो 2-3 कॉलम में लिखी जाती है, ठीक है ना। अब कॉलम किस तरीके के होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को, और मैं इसको कॉलम में डिवाइड करता हूँ। जैसे यहाँ मैंने कॉलम किया, 2 कॉलम करूंगा, ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये 2 कॉलम में बट गया है न्यूज, पहले इधर से ऐसे लिखेगा नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर वापस ऐसा लिखा हो जाएगा। तो ये होता है कॉलम के अंदर डिवाइड करना। अब 2-3 जितने भी आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ से 3 करना है तो आप 3 कर दीजिए, ये 3 हो गया, ठीक है। 4 करना है तो 4 भी आप कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 1 की जगह पे यहाँ 4 लिखेंगे और उसके बाद आप इसे ओके कर देंगे, ये 4 कॉलम में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और इसके अलावा लेफ्ट राइट वाला में क्या है कि कुछ हिस्सा जो अपन वार्तालाप लिखते हैं, आपने बचपन में क्लासों में संस्कृत की बुकों में आपने देखा होगा वार्तालाप जो होता है कि जैसे आपने कोई भी वार्तालाप लिख दिया लेफ्ट राइट वाला, ये तो जैसे टीचर बोल रहा है, टीचर ने क्या बोला वो इधर लिख दिया जाता है। फिर स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट ने क्या बोला वो इधर लिख दिया। फिर वापस टीचर क्या बोल रहा है, यहाँ टीचर लिख दिया। फिर टीचर ने बोला क्या वो इधर लिख दिया हमने, ये होता है वार्तालाप वाला सेक्शन होता है, उसमें काम आता है। लेकिन आपके LDC में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो कॉलम से 1-2 कॉलम का आ सकता है, मैक्सिमम इतना ही आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक मैंने आपको पहले बताया, पेज ब्रेक मैंने आपको बता चुका हूँ इंसर्ट के अंदर, और कहाँ बताया था आप भूल गए तो मैं बता देता हूँ आपको, यही मैंने यहाँ पे बताया था इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक।
और यहाँ पर जो ब्रेक है वो क्या सेक्शन वाइज है, उसका मतलब क्या होगा ब्रेक का सेक्शन वाइज, जैसे आपको अलग अलग सेक्शन बनाना। अब सेक्शन कहाँ काम आएंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, ब्रेक क्या करता हूँ, देखो पेज ब्रेक मैंने आपको बता रखा है, यहाँ से पेज ब्रेक करूंगा अगले पेज में चला जाएगा, ये इंसर्ट में हमने कर लिया था। आगे इसमें सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, कॉलम ब्रेक करना है, जैसे कॉलम है तो कॉलम को नए कॉलम में टेक्स्ट करना है, मेरे को कहाँ से करना है वो मैं यहाँ से कर दूंगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको, और या फिर मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओनली इसी एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, कॉलम किया टू कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सिडर्ड भी सेकंड कॉलम में आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रेक करके कॉलम ब्रेक कर देता हूँ, यह आया और कॉलम ब्रेक कर दिया। अब देखो कॉन्सिडर्ड भी सेकंड कॉलम में आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, कॉलम ब्रेक होता है, यहाँ जहाँ से हम चाहें वहां से हम ब्रेक कर सकते हैं कॉलम के अंदर अलग अलग कॉलम में। और टेक्स्ट रैपिंग का मैंने आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर होम टैब के अंदर मैंने आपको बता दिया होगा या इंसर्ट टैब में बताया होगा। ये रहा ये ड्रॉप कैप जो मैंने आपको बताया था, ड्रॉप कैप नहीं सॉरी, टेक्स्ट रैपिंग का मैंने आपको कहाँ बताया था, नहीं बताया है शायद। ओके मैं आपको फिर से बता देता हूँ टेक्स्ट रैपिंग का कहाँ पर आपको कहाँ पर यूज करना है। जैसे कि मैंने कोई भी पिक्चर ली, इंसर्ट में गया, यहाँ मैंने कोई भी क्लिप पार्ट ले ली, ये मैंने क्लिप पार्ट में क्लिक किया, ये कोई क्लिप पार्ट आ गई। अब इसके चारों ओर टेक्स्ट नहीं आ रहा है ना, इसके देखो ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन लेफ्ट राइट के अंदर जगह खाली पड़ी है, इसका मतलब यहाँ कुछ जगह खाली है ना, इसे मुझे सेट करना था। मैं पेज लेआउट में गया और यहाँ मुझे टेक्स्ट रैपिंग करना है, टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करूंगा, ये सेट हो गई। अब ये एक तरफ सेट हो चुकी है साइड के अंदर, इसका मतलब ये जो बाकी का टेक्स्ट है वो इसके चारों ओर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट रैपिंग पड़ा यहाँ पर ऑप्शन, जो इसका फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, ये टेक्स्ट रैपिंग है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और स्क्वायर पर क्लिक कर देना है, तो ये टेक्स्ट आपके इसके चारों ओर आ जाएगा, मतलब जो आपका जगह है वो खराब नहीं होगी और स्पेस कम स्पेस के अंदर आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग आपके इसके अंदर आने का है नहीं एलडीसी में, लेकिन मैंने आपको कुछ जरूरी था और बीच में छूट रहा था, इस वजह से एक दो ऑप्शन अगर ऐसा रहता तो हम बता देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, सेक्शन। अब सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन का मतलब क्या होता है कि हिस्सा, सेक्शन का मतलब आप हिस्सा रखेंगे, जैसे कितने हिस्सों में हम इस पेज को बांट सकते हैं, हमारा ये हिस्सा लगे ये हिस्सा लगे, तो हिस्सा हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, अगर सेक्शन हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं, ये सेक्शन कर दिया मैंने तो ये नए पेज में चला गया, सेम ब्रेक का जैसे होता है, लेकिन सेक्शन में क्या होता है वो आपको भी आगे पता चल जाएगा, सेक्शन में पेज ब्रेक में फर्क क्या होता है वो। कंटिन्यू में करते हैं तो हम यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर दिया तो ये सेक्शन यहीं पर, देखो ये अलग सेक्शन है ऊपर वाला, ये नीचे वाला अलग सेक्शन है। और मैं सेक्शन तोड़ता हूँ, एक मैं 1928 के बाद नया सेक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं गया सेक्शन कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से इवन पेज ओड पेज का भी हो जाता है, लेकिन ये आपके कोई काम नहीं आएगा, इवन पेज ओड पेज ये, इवन का मतलब सम और वो विषम पेज, जैसे एक नंबर पेज पे अलग सेक्शन, फिर तीसरे पेज से सेक्शन होना चाहिए, फिर पांचवें पेज से नया सेक्शन स्टार्ट होना चाहिए, ओड वाले में दो नंबर पेज से स्टार्ट होगा, फिर चार नंबर से, फिर छह नंबर से ऐसे सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग, वो होता है। लेकिन ये इतना डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा, ये जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इवन पेज के अंदर दो नंबर चार नंबर और ओड के अंदर वो एक नंबर और तीन नंबर ऐसा, ठीक है। लेकिन ये आपके काम नहीं आने का है, सेक्शन ओनली कंटिन्यू वाला आपके आ सकता है, नहीं भी आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने सेक्शन वगैरह कर दिया, एक दो तीन सेक्शन बना दिए मैं, अब मैं लगाता हूँ लाइन नंबर, हम आते हैं लाइन नंबर पर, कंटिन्यू करूंगा, इसका मतलब लाइन नंबर कंटिन्यू चल रहे थे, 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यू नंबर चलेंगे, ठीक है। पूरे पेज को अगर मैं सिलेक्ट करके करूंगा तो पूरे पेज पे कंटिन्यू लाइन नंबर आ जाएंगे, कैसे आएंगे देखो मैं वापस हटा देता हूँ, एक मिनट कर देता हूँ इसे। अगर मैंने इन दो पैराग्राफ को तीन पैराग्राफ को जितना को इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके बाद में लाइन नंबर लगाता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे कंटिन्यू लाइन नंबर आ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, सेक्शन वाइज पे रिस्टार्ट ईच पेज, इसमें क्या होगा, यहाँ से एक नंबर स्टार्ट हुआ, जैसे ये पेज एंड होगा वहां तक चलो चॉइस आ गया, अगले पेज में सीधा वापस एक नंबर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नए पेज से नया नंबर स्टार्ट वापस एक नंबर से, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें सेक्शन की, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, मैंने क्लिक कर दिया ओके। अब देखो मैंने ये एक सेक्शन बनाया था, इस सेक्शन पे 1 से 4 आ गया, नए वाले सेक्शन में फिर से 1 से स्टार्ट हो गया, ये देखो 1928 के बाद फिर मैंने नया सेक्शन बनाया था और ये नया सेक्शन से फिर नया स्टार्ट हो गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है
हर एक पैराग्राफ में या ईच पैराग्राफ में जो लाइन नंबर है वो रीस्टार्ट बाय ईच सेक्शन आपको लगाना है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, पहले आप सेक्शन बनाने होंगे आपको अलग अलग पैराग्राफ के बाद अलग अलग सेक्शन बना दीजिए, ब्रेक कर दीजिए सेक्शन को, उसके बाद आप लाइन नंबर इंसर्ट करके लाइन नंबर को रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर दीजिए, जिससे आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, डायरेक्ट ही पूछता है कि आपको लाइन नंबर लगाना है, क्वेश्चन मोस्टली यही आता है, लेकिन फिर भी अगर डीपली पूछ लिया जाता है तो आप कर सकते हैं इसे आसानी से। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम आगे और क्वेश्चन भी करेंगे इसके, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के बारे में तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और हम इसे सोल्व करा सके आपको। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में क्वेश्चनों से रिलेटेड, और उनकी प्रॉब्लम वहां सोल्व की जा रही है। अगर आपको भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं एफिशिएंसी का और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको, वहां पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे हम चलते हैं हाइपरनेशन, हम बात करेंगे हाइपरनेशन की। हाइपरनेशन क्या होता है? देखो आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मैं नन कर देता हूं लाइन नंबर एक बार के लिए, लाइन नंबर हटा दिए मैंने वापस, अब हम चलते हैं इसके अंदर। अब आपने देखा होगा जैसे ये जो लिखा है ये वर्ड, या फिर कोई भी आप दूसरा वर्ड देख लीजिए, जैसे मैं लिखता हूं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, या ये वर्ड है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, या मैं यहीं पर एक इंसर्ट करता हूं नया वर्ड, यहां पर आप मेरे जहां कर्सर है वहां पर आप देखना, मैं एक नया वर्ड इंसर्ट करता हूं रामकुमार, ठीक है। अब ये रामकुमार एक्चुअली क्या है, पूरा वर्ड है, लेकिन आधा यहां ऊपर आ सकता था आधा नीचे आ सकता है। कब आएगा ये ऊपर नीचे, आपने कोई से सिलेक्ट करना है और हाइपरनेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये रामकुमार है, एक मिनट के लिए, जैसे ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं रामकुमार को और हाइपरनेशन लगा देता हूं ऑटोमेटिक, या मैन्युअल लगा देता हूं। मैन्युअल में लगा कहां लगाना मुझे, राम कु, और यहां से हटा देता हूं मैं और यस कर देता हूं, अभी भी ये नहीं आ रहा है। हाइपरनेशन का मतलब ये होता है कि अगर वर्ड पूरी लाइन में नहीं आ रहा है तो उसे आधे को नीचे भेज दिया जाता है आधा ऊपर रख दिया जाता है, और उसके लिए एक दो वर्ड में हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। अब मैं रामकुमार पे हाइपरनेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखो राम ऊपर आ गया कुमार नीचे आ गया, लेकिन ये बीच के अंदर ऐसा डैश का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये चिन्ह मैंने कीबोर्ड से नहीं लगाया है, ये आया हाइपरनेशन से, इससे इस चिन्ह का नाम होता है हाइफन चिन्ह, और इसे हम कहते हैं हाइफनेशन, ठीक है। और इस चिन्ह को लाने के लिए आपको ऐसा हाइफनेशन का यूज करना पड़ता है, मैन्युअली भी आप कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं। मैन्युअली में आपको ये होगा कि आपको कहाँ लगाना है हाइफनेशन, वो डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, जहां पर भी लगाना आपको आप लगा सकते हो उसको हाइफनेशन को, यहाँ आप नो कर दीजिए तो नो आ जाएगा, ठीक है। देखो जहां जहां लगा जहां जहां लगाना है या नहीं लगाना है वो आपको यहाँ पर बता रहा है, जहां जहां आपको लगाना वहां यस कर दीजिए, यस कर दिया मैंने। देखो ये हिंदुस्तान लिखा होता हिंदुस और तान नीचे आ गया, ठीक है ना, और बीच में आ गया डैश, इससे कहते हैं हाइपरनेशन, ठीक है। यहाँ मुझे लगाना यस कर देता हूँ, नहीं लगाना नो कर, नो कर दूंगा मैं, तो ये पूरा हिंदुस्तान नीचे आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ वापस, ये हिंदुस्तान वाला, ठीक है, ये हिंदुस्तान के आगे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चिन्ह को हम हाइपरनेशन कहते हैं, इसका एलडीसी में बहुत कम यूज है, लेकिन फिर भी आप जान लेवे। ये पेज लेआउट के अंदर ओनली इंडेंट वगैरह आपको, और पेज कलर, पेज बॉर्डर और ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट ओनली जानने के लिए, ताकि आप बाय द वे क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कहीं पे फंसो नहीं। ये होता है हाइपरनेशन, हो गया हमारा हाइपरनेशन। अगले बात करते हैं वाटरमार्क की। वाटरमार्क क्या होता है कि पेज के बैकग्राउंड में कुछ भी अपने को लिखना होता है या कुछ पिक्चर लगानी है तो हम उसे कहते हैं वाटरमार्क। जैसे डू नॉट कॉपी का आपने बहुत सारे जो स्कूल के कोचिंग के नोट्स होंगे उन पे ऐसा लिखा हुआ देखा होगा पीछे की तरफ बैकग्राउंड में डू नॉट कॉपी, ये इस तरीके से लगा जाए, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ये आ गया। तो आपको इस पेज के पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा डू नॉट कॉपी, हल्का सा लाइट कलर में लिखा होता है डू नॉट कॉपी। अब इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अपना मन पसंद कुछ भी दूसरा लगाना है कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे
एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ये रहा, इसमें पहला नो वाटरमार्क्स, इसका मतलब नो वाटरमार्क, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। पिक्चर के अंदर आप कोई फोटो लगा सकते हैं, ये ऑप्शन आपको वहां पर एलडीसी में नहीं मिल कराएंगे, क्योंकि पिक्चर वहां पर अवेलेबल आपको नहीं करा पाएंगे वो, इस वजह से पिक्चर वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं आएगा। आगे हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में आप यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या लिखना है, जैसे मुझे एग्जाम टास्क लिखना है बैकग्राउंड के अंदर, मैंने एग्जाम टास्क लिख दिया, यहाँ फॉन्ट हो गया, ये साइज हो गई, यहाँ से साइज में सेट कर सकता हूँ। कलर का अगर देखना है, जैसे मुझे रेड में लिखना है तो रेड कर दिया मैंने, और ओके कर अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे एग्जाम टास्क बैकग्राउंड में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, वाटरमार्क हमारा हो गया, पेज कलर पे हम चलते हैं आगे, और पेज कलर के अंदर क्या होगा, पेज के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। दोस्तों आप पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर, हाईलाइट कलर और पेज कलर, इन तीनों को ध्यान से अलग से पढ़ें, क्योंकि आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर लगाना है वहां पर आप पेज बैकग्राउंड लगा देते हैं, और जहां पैराग्राफ को हाईलाइट करना है वहां पर आप पेज का पैराग्राफ का बैकग्राउंड लगा देते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। आज भी एक लड़के का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हाईलाइट कलर है वो रॉन्ग क्यों कर रहा है, क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी रॉन्ग कर रहा है। तो आप हाईलाइट किससे कर रहे हैं, जब आपको टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए बोला गया है तो आप पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर में येलो लगा रहे हैं, तो इससे वो गलत ही होगा और क्या होगा। इसलिए आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखें, बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाना और क्या लगाना अपन को, ठीक है। अब ये जैसे येलो करना है, ग्रीन करना है, जो भी करना है मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ओके। आगे हम चलते हैं पैज बॉर्डर पर। ये फिल इफेक्ट वगैरह है, ये आपके कोई काम का नहीं है। नो कलर आपको काम का है तो नो कलर आप ध्यान में देख रख लें, कलर को हटाने के लिए वापस काम आता है। पेज बॉर्डर, पेज के चारों ओर बॉर्डर लगानी है। अब पेज की बॉर्डर की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, फिर यहाँ से देख लो पेज की बॉर्डर किस तरफ लगानी है। जैसे मुझे ऊपर नहीं लगानी तो टॉप के हटा दो, यहाँ से लगानी तो रख लो बॉटम की, लेफ्ट की, राइट की, जो भी हटानी हो यहाँ से हम हटा सकते हैं। आगे हम चलते हैं पेज कलर का, कलर कौन सा होना चाहिए बॉर्डर का, ग्रीन होना चाहिए तो ग्रीन कर दिया मैंने। साइज क्या होना चाहिए, येलो साइज कर दिया यहाँ से मैंने सेट। इसके अलावा बहुत सारे आर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जैसे मुझे कोई भी आर्ट लगानी है वो मैं यहाँ से आर्ट लगा सकता हूँ। जैसे मुझे ये लगानी थी, ये लगा दिया मैंने, ओके कर दिया। इस आर्ट के अंदर, इस एक डिजाइन के अंदर पेज का बॉर्डर बन गया, ठीक है। ये हमारा था पेज बॉर्डर, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट पेज बैकग्राउंड के अंदर। अब बात करते हैं इंडेंट की। इंडेंट मैंने आपको पहले बता दिया होम टैब के अंदर पैराग्राफ वाले में, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये इंडेंट सेम वही है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, सॉरी सेकंड क्लास में हमने पढ़ाया है। सेकंड क्लास आप जाके देख सकते हैं इंडेंट के लिए, ये जो इंडेंट को इंक्रीज करेगा और ये इंडेंट को डिक्रीज करेगा। ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। लेफ्ट और राइट का दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और ये लाइन स्पेसिंग है जो आपको लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है, ठीक है। ये जो लाइन स्पेसिंग है वो बिफोर वाली है और ये आफ्टर वाली है। पैराग्राफ के बाद में लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, अभी पहले कितनी रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है हमारे सेकंड क्लास के अंदर। और यहाँ पर आप देखना चाहो तो आप देख पा रहे होंगे, ये बिफोर वाली अगर मैं बढ़ाऊंगा तो पेज के पहले देखो स्पेसिंग बढ़ रही है, और अगर मैं आफ्टर वाली बढ़ाऊंगा तो पेज के आफ्टर के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आफ्टर के अंदर ये देखो लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है। ये होता है लाइन स्पेस पैराग्राफ के अंदर बीच में जो स्पेसिंग आती है वो, ठीक है। लाइन स्पेसिंग ये नहीं है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बोलने के अंदर गलती होगी इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, और वो थी अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग। आगे हम चलते हैं पोजीशन वगैरह, ये सब जो रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा है हिस्सा ये, इसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पर एक इमेज की या ऑब्जेक्ट की जरूरत रहती है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पिक्चर, कोई शेप, कोई क्लिप आर्ट, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इंसर्ट में गया और मैंने देखो तीन ऑब्जेक्ट लिए, ये शेप लिया मैंने, एक रेक्टेंगल बनाया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, ओके। नेक्स्ट आगे मैंने एक गोला बनाया, इसका मैंने ब्लू कर दिया। उसके बाद मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, और ये त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं इन तीनों की, ये तीन है, ठीक है। पेज लेआउट हम चलते हैं। अब देखो जैसे कि ये जो है ट्राइंगल, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा ना, जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है उसके ऊपर आ रहा है। इससे आपको साफ नहीं दिख रहा तो इसमें देख लीजिए आप, देखो ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। अब मुझे इस जो नाम लिखे हुए टेक्स्ट का, इसके पीछे भेजना है इसको, तो यहाँ पोजीशन में जाऊंगा और यहाँ पर आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो ये तो है इसका अलाइनमेंट, ठीक है।
टॉप लेफ्ट में करना है, टॉप सेंटर में करना है, टॉप राइट में करना है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जाना टेक्स्ट रैपिंग में और बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब आप देख पा रहे होंगे नाम इसके ऊपर आ रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट सबसे नीचे आ रहा है। ऊपर इसको लेके आना वापस, तो यहाँ जाओ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे वापस ऊपर आ जाएगा। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, पीछे ले जाना आगे ले जाना, ये हो गया। एलडीसी में इसके आने के चांसेस बहुत कम है आपके, फिर भी आप ध्यान के लिए देख सकते हो। ये अलाइनमेंट है यहाँ पर पिक्चर का, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं आगे ब्रिंग टू फ्रंट वाली की, इनकी तो इनमें क्या होता है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल सबसे पीछे पड़ा है, वो त्रिभुज सबसे आगे है, बीच में क्या है हमारा गोला है और सर्कल हमारा बीच में और रेक्टेंगल सबसे पीछे, इसे मुझे सबसे आगे लेके आना है। तो ब्रिंग टू फ्रंट पे मैं क्लिक करूंगा, ये सबसे आगे आ गया, इसको सबसे पीछे भेजना है, सबसे पीछे सेंड टू बैक पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये पीछे चला गया वापस। अब बात करते हैं, अब मुझे इसे बीच में लेके आना है, इस जो वर्त के और त्रिभुज के बीच में लेके आना, तो एक के ऊपर लाना मुझे और एक के नीचे रखना ना, तो मैं सबसे नीचे वाले को क्या करूंगा, एक के ऊपर लेके आऊंगा। तो कैसे लेके आऊंगा, ये ब्रिंग टू फ्रंट है ना, इस पे जाऊंगा और इसे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, ओनली ब्रिंग फॉरवर्ड। यहां पर क्लिक करते ही ये, सॉरी यहां पर क्लिक करते ही ये एक के आगे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक के आगे और लेके आना, इसे और आगे लेके आना एक स्टेप, तो यहाँ जाऊंगा ब्रिंग फॉरवर्ड पे और क्लिक करूंगा, ये सबसे आगे आ गया। अब मुझे इसके एक के पीछे भेजना, ओनली त्रिभुज के पीछे भेजना, तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा, और घोड़े के भी पीछे भेजना है सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से एक एक स्टेप हम आगे लेके पीछे लेके आ सकते हैं, और टेक्स्ट के आगे लाना टेक्स्ट के पीछे लाना, ये यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात आती है स्क्वायर वगैरह की, स्क्वायर वगैरह यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये टाइट है, अगर मैंने इसको टाइट कर दिया, टाइट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट है इसके चारों ओर से कट जाएगा, इसके नीचे कोई भी टेक्स्ट नहीं दबेगा, ठीक है। और स्क्वायर कर दूंगा तो इसके नीचे भी टेक्स्ट आपको दबाव नहीं मिलेगा, ओनली साइड में, मतलब चारों ओर स्क्वायर रूप में ये कट जाएगा। देख रहे होंगे आप, देखो यहाँ जैसा जैसा इसका एरिया है, जितना स्क्वायर के अंदर एक वर्गाकार क्षेत्रफल है वहां पर इसको सेट कर दिया गया। और टाइट के अंदर करूंगा तो जैसा इसका शेप है उस तरीके से ये चारों ओर आ जाएगा, ठीक है। और इन लाइन विद टेक्स्ट करूंगा तो टेक्स्ट इसके चारों ओर से हट जाएगा और ये एक लाइन में आ जाएगा, जितने इसकी साइज होगी उस हिसाब से लाइन की सेटिंग होती रहेगी। देखो ये एक तरीके से लाइन में जैसे लिखा हुआ हो ना अक्सर, वैसे ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ ऊपर वगैरह कहीं भी टेक्स्ट नहीं आएगा आसपास के अंदर। इसको मैं आगे ला सकता हूँ, आल्सो के आगे सेट करना, यहाँ सेट कर दिया मैंने, ये लो, ठीक है। तो आप इनका नाम देख के समझ सकते हो, इन लाइन विथ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टाइट का मतलब बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप और बॉटम, इसमें क्या होगा टेक्स्ट इसके ऊपर और नीचे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ सेट कर दिया तो ये ऊपर नीचे टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन साइड में नहीं आएगा, अगर साइड में भी लेके आना है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। और भी नजदीक टेक्स्ट और लेके आना है तो टाइट कर दो, इस तरीके से ये अलग अलग ऑप्शन है। ये सब हो गया। ये ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट एडिट का मतलब क्या होता है कि आपने इस पॉइंट को एडिट किया, इसको आपने यहाँ पर लेके गए, ठीक है। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट यहाँ तक आएगा, देखो अगर मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया, ऐसा मैंने इसको कर दिया, तो अब देखो टेक्स्ट भी उसी हिसाब से इससे दूर होता चला जाएगा। ये लो, ये मैंने इसे सेट कर दिया, इससे क्या होगा टाइट किया मैंने इसको, अब यहाँ वापस में गया एडिट वाले को हटा दिया। अब देखो मैं इसे कहीं भी लेके जाओ उसी शेप के अंदर टेक्स्ट है वो दूर होता चला जाएगा। देखो देखो यहाँ से इसी शेप में हो रहा है, जैसा हमने शेप सेट किया था उसी सेट उस शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये होता है ब्रेक पॉइंट, ओके। आगे हम चलते हैं मोर लेफ्ट ऑप्शन, यहाँ बहुत सारे लेफ्ट मिलेंगे, ये आपके कोई काम का है नहीं, फालतू वीडियो लंबा हो रहा है, इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं आपका। आपको जितना एलडीसी में उपयोगी है उतना आप पढ़ने की कोशिश करें, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे हम चलते हैं अलाइनमेंट पे, तो ये ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट है, जैसा टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वैसे ये ऑब्जेक्ट जो पिक्चर वगैरह होती है उनका भी अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। लेफ्ट किया मैंने, ये लेफ्ट हो गया, सेंटर कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। ये तो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट को समझिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्ड आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में इसका लेफ्ट करता हूँ इसका मतलब इधर लेफ्ट में चला गया, और सेंटर करता हूँ तो यहाँ आ गया, और राइट करता हूँ यहाँ आ गया। अब इस तीनों पोजिशन में क्या था, इसकी पोजिशन हाइट एक ही थी ना, अलग हाइट पे नहीं गया था ना, सेम हाइट पे इधर उधर हो रहा था। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं पेज को साइज छोटा कर देता हूँ और अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो
मैं यहाँ पे जाके सिंगल पेज कर देता हूँ पहले, तो ये सिंगल पेज हो गया ठीक है। अब आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं अलाइनमेंट की। देखो वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में फर्क क्या है, देखो जब बात आती है वर्टिकल अलाइनमेंट की तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं झट से। इसके अंदर देखो अलाइनमेंट में कर रहा हूँ, लेफ्ट करूंगा ये लेफ्ट हुआ, राइट कर सेंटर करना है ये सेंटर हो गया, ये कौन सा अलाइनमेंट है, ये है ओरिजिनल अलाइनमेंट हमारा ठीक है। अब हम करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। देखो ये लेफ्ट राइट सेंटर में किया, मतलब इसका मतलब ये रहा तो यही का यही, इधर 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 उतरा ठीक है। अब होगा क्या, अब मैं इसे वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। देखो वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने जैसे ही टॉप किया ये टॉप में चला गया, सेंटर किया ये मिडिल में आ गया ठीक है, और बॉटम किया ये बॉटम में आ गया। ये होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब खड़े लाइन के अंदर ऊपर नीचे होना वर्टिकल अलाइनमेंट है, जबकि आडी लाइन या तिरछी लाइन के अंदर जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट से कंफ्यूज नहीं हो, समझे वर्ड को कि वर्ड क्या लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करें। क्वेश्चन को हमेशा पहले समझे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है मुझे ठीक है, नहीं जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन गलत भी कर लोगे। ये हो गया अलाइनमेंट का। और ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप में क्या है कि जैसे ये तीन पिक्चर है ठीक है, मैं इसे वापस स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ पर आते हैं हम, एक पिक्चर ये है, अभी तीनों अलग अलग है, जैसे मुझे तीनों को एक करना है तो मैं इन्हें कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा तो ये सब माउस हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह दिख रहा है मेरे कर्सर के ऊपर, अब कंट्रोल मेरा दबाया हुआ है, और अब मैं इसे भी सिलेक्ट करूंगा, इसे भी सिलेक्ट करूंगा, और आगे जा करके ग्रुप कर दूंगा। ये ग्रुप कर दिया मैंने तो ये तीनों एक हो गए। अब देखो आप कहीं भी मुंह करो तीनों एक साथ जाएंगे जाएंगे ना, ये होता है ग्रुप। इसके बाद इसे वापस हटाना है मुझे, तो वापस मैं पेज लेआउट में आऊंगा और ग्रुप पे क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा, और वापस अब देखो अब सब अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये हमारा जो था ये अलग हो गया, ये हो गया ग्रुप का। रोटेट की अगर हम बात करें तो रोटेट का मतलब होता है घुमाना, इसको किसी भी तरीके से आप घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी को आपको घुमाना, ओरिजिनल वर्टिकल 90 डिग्री वगैरह ये सब, और फिक्स अलग डिग्री पर आपको घुमाना तो आप यहाँ पर जाकर के यहाँ से भी घुमा सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, हाइट विड्थ का ऑप्शन ये आपको मिल रहा है, ये रोटेट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। ये देखो 10 डिग्री पे घुमाना, 12 डिग्री पे घुमाना, जितना भी आपको घुमाना है यहाँ पर आप घुमाएंगे, ओके करेंगे ये इतना घूम गया ठीक है। ये होता है रोटेट। इस तरीके से अब कंप्लीट होता है हमारा पेज लेआउट ठीक है। अब अगर एक दो कोई व्यू के अंदर ऑप्शन बचा है या कुछ ऑप्शन होम या इंसर्ट में से कोई रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। हमारी एक क्लास कल संडे को होगी, उसके बाद में हमारा एलडीसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से या ट्यूसडे से हम हमारी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, उसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जानकारी मिलती रहे बार बार में, या हम यूट्यूब के अंदर जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर भी मैं पोस्ट डाल दूंगा जो टेस्ट सीरीज के बारे में, और वीडियो के अंदर भी बता दूंगा अगली क्लास के अंदर कि हमारा टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। एक दो दिन में हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको पीडीएफ पेपर भी मिलेगा और करने के लिए मैटर भी मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की हमारे वीडियो के बारे में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कोई भी मतलब किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है वीडियो के बारे में, तो आप हमें जो ईमेल से या फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जो भी हमारा यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक ये हमारी ये वीडियो पहुँच सकें।